Hello student, today we will start new topic, coordination and control. Coordination आपको पता है, सब जब हम एक साथ काम करते हैं तो आपस में coordination होना बहुत ज़रूरी होता है. जो भी अगर टीम वर्क है तो टीम वर्क में coordination अगर है तो वो वर्क बहुत अच्छे से होता है. अगर टीम वर्क में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वर्क अच्छा नहीं होता है. तो कोऑर्डिनेशन एज अ टीम वर्क जब आप करते हो, वो ऑफिस में हो, घर में हो, या कोई भी कॉलेज स्कूल में आप कुछ काम कर रहे हो और वो टीम वर्क है, तो दैट टाइम आपका कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ये रिलेटेड टू कंपनी वर्क के लिए है. जब भी कोई टीम वर्क होता है तो उसमें मैनेजर होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, एम्प्लॉई होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, तो वो सब एक साथ जब काम करते हैं दैट टाइम किसी की तो ज़रूरत के होती है कि कोई तो चाहिए होता है कि वो उन पे कंट्रोल करे. ओके, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, फीचर्स, एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इम्पोर्टेंस, टेक्निक्स एंड डिफिकल्टीज इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन. देन हम देखेंगे व्हाट इज़ द कंट्रोल, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल, स्टेप्स क्या है उसके, इसेंशियल ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और टेक्निक क्या है. ओके, the word coordination has been derived from a Latin word ordo, which means order. Thus in management science it clearly means that coordination is the process of organizing people or groups so that they work together properly. Coordination is the combination of all the efforts used in the business enterprise for attaining objectives that are common in nature. Coordination implies joint effort and hence it may be described as the orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in pursuit of a common goal. It is the integration of the activities, the responsibilities and the command and control structure to ensure that the resources of an organization are used most efficiently or effectively of the specified objectives, along with organizing, monitoring and controlling. Coordinating is one of the key functions of management. Okay, or बहुत सारे ऑथर ने कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन की, आपको जो भी इजी लगे आप वो लर्न कर सकते हो. कोऑर्डिनेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन कंसर्न इन ऑर्डर टू फैसिलेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस. ओके, and coordination is the integration of several part into an orderly whole to achieve the purpose of understanding. Coordination may finally be defined as the leadership activity designed to establish unity of effort towards a common purpose. It is the blended, integrated, total performance that is of prime consideration. ओके, देन कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट इज इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड वन आउटकम ऑफ फोर्थ वन यूनिटी ऑफ पर्पस, कंटिन्यूस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन इज डायनामिक एंड इट इज ऑल अबाउट
इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज एंड सिस्टम कंसेप्ट. ओके, इस सेंस ऑफ मैनेजमेंट मीन्स मनी कंसिडर कोऑर्डिनेशन एज द वेरी इसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन बट द वेरी इसेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट कैन नॉट हैपन विदाउट कोऑर्डिनेशन. इट इज इनहेरियंट इन द मैनेजरियल जॉब एंड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट मीन्स द कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द थ्री लेवल्स, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट लेवल. कोऑर्डिनेशन इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड इट कैन बी अचीव्ड थ्रू द मैनेजरियल फंक्शंस. नो मैनेजर कैन अवॉइड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आउटकम ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पज मीन्स द हर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द यूनिटी ऑफ पर्पज विच इन्वॉल्व्स फिक्सिंग द टाइम एंड द मैनर ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज. ओके, देन कंटिन्यूस प्रोसेस मीन्स कोऑर्डिनेशन इज द कंटिन्यूस प्रोसेस. इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेप इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कंटिन्यूस बैलेंस एंड हारमोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन हैपन्स कंटिन्यूसली. देन कोऑर्डिनेशन इज डायनामिक मीन्स कोऑर्डिनेशन फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड इन फिनेंशियल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इट इज़ दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच कैन एज्यूम मेनी फॉर्म्स एंड इज द डायनामिक इन नेचर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम्स कंसेप्ट. कोऑर्डिनेशन इज अ सिस्टम और सिस्टम कंसेप्ट इन द सेंस दैट इट रिगार्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट. इट रिकॉग्नाइज द diversity and interdependence of the organizational systems and the need for fusion and synthesis of all efforts. Okay, and it is all about interdependent activities. जो coordination होता है तो एक दूसरे के ऊपर depend होता है. मतलब अगर एक person है उसने ये काम किया तो दूसरे person का वो उससे रिलेटेड जो वर्क है वो अच्छे से हो जाता है. मतलब जो भी एक्टिविटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है. मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन है ये ग्रुप एक्टिविटी होता है, मतलब ग्रुप में होती है और टीम वर्क होता है. ओके, इसे इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ बोलते हैं. मीन्स ग्रुप्स आर इनहेरियंटली डिफरेंट फॉर्म इंडिविजुअल्स परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क बिकॉज ग्रुप मेंबर्स नीड टू कोऑर्डिनेट. व्हेनेवर द वर्क ऑफ इंडिविजुअल इज इंटरडिपेंडेंट दे मस्ट मैनेज दिस इंटरडिपेंडेंस टू अचीव सक्सेस. व्हेन इंडिविजुअल्स आर वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप सर्टन टास्क कैन बी कैरीड आउट इंडिपेंडेंटली एंड देयरफॉर डोंट नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड विथ दोज परफॉर्म बाय अदर मेंबर्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. फर्स्ट वन इज बैलेंस. बैलेंस तो हर जगह वेरी इंपॉर्टेंट होता है. आपका भी आप जो बिहेव करते हो वो भी वेरी बैलेंस्ड चाहिए. मतलब कभी बहुत एग्रेसिव, कभी बहुत शाय, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ और योर फ्यूचर. तो जो भी आपका बिहेवियर है वो भी वेरी बैलेंस चाहिए. देन सेकेंड पॉइंट जो होता है वो टाइम होता है. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर आवर लाइफ. जो भी काम वक्त से होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फ्रेंड को भी बुलाया है मिलने के लिए या आपने बोला है कि हाँ हम 5 बजे मिलते हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको 5 बजे वहाँ होना चाहिए.
हाँ ठीक है बाबा, फ्रेंड है तो 5 क्या 5:30 बजे जाते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यही आदत आपको लॉन्ग लाइफ लगती है और ये बहुत गंदी आदत है कि टाइम फॉलो नहीं करना। पढ़ाई तो टाइम पे करनी चाहिए, नो डाउट, बट हर कोई काम, हर कोई चीज़ आप अगर टाइम पे करते हो, आप टाइम को अगर इम्पोर्टेंस देते हो, तो आप फ्यूचर में बहुत अच्छे से कुछ भी अचीव कर सकते हो। ओके, देन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो बैलेंस मीन्स कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स अ प्रॉपर बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओवर एम्फसाइज ऑन एनी वन टास्क और डिपार्टमेंट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स इज़ अ कॉन्सनट्रेट टू कोऑर्डिनेशन। सिमिलरली एक्सेस ऑफ वन टाइप ऑफ रिसोर्स एंड शॉर्टेज ऑफ अनादर विल कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेट। देन टाइम, एवरी थिंग नीड्स टू बी डन एट द राइट टाइम। वेरियस डिपार्टमेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड देयर फॉर देयर वर्क शेड्यूल्स मस्ट सपोर्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, सेल डिपार्टमेंट कैन नॉट मेक सेल अनलेस द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस गुड्स इन टाइम। देन इंटीग्रेशन मीन्स एवरी डिपार्टमेंट एंड एवरी एम्प्लॉयज हैज हिज ओन इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल कैन बी सर्व ओनली व्हेन दिस इंडिविजुअल इंटरेस्ट आर रिकनसील्ड और रिकॉल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हम इम्पोर्टेंस देख के लेक्चर स्टॉप करते हैं, क्योंकि एक साथ पूरी थ्योरी आपको अच्छी नहीं है, लेकिन ये बहुत सिंपल है इसलिए मैं एक साथ ले रही हूँ। छोटे छोटे पॉइंट है तो कवर हो जाएंगे, मतलब रेगुलर यूज़ के ये पॉइंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में है यूनिटी इज डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देन टीम वर्क, स्पेशलाइजेशन, ग्रोथ इन साइज, इंटरडिपेंडेंस, सिनर्जी इफेक्ट, ह्यूमन नेचर, एम्पायर बिल्डिंग एंड डिफरेंश सॉरी एंड इंटीग्रेशन। फर्स्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इज द साइन आउटकम ऑफ गुड्स मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट। इट इज द ओनली मेथड बाय विच मैनेजर कैन अवॉइड पोटेंशियल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी विल इनिफिशियंट कोऑर्डिनेशन इज द बेसिक मैकेनिज्म फॉर क्रिएटिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। द क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द फैक्टर इन द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन कन्फ्लिक्टिंग गोल मीन्स ईच डिपार्टमेंट और डिविजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन has its own goals. Similarly, each individual has its own goals. In practice, every department and individual becomes so committed to its goals that it may overlook the goals of the organization. Coordination becomes essential of harmonize and departmental goals with the goals of the organization. Otherwise, the narrow sub goal will cause delays and wastage of the resources. Then teamwork. Without coordination, member of group will put in different directions and may work at cross purposes. The efforts, energies and skills of various persons must be integrated to achieve group effort and teamwork.
Coordination duplication of work and work at cross purpose can be eliminated. Thus, coordination results in economical and effective management. Okay, then specialization leads to a narrow outlook. Specialized or specialist performing the various tasks know very little of other job. And difference in outlook lead to frequent disputes. Coordination among the activities or specialties is very complicated. Growth insights. In big organization, the number of jobs and employees is also large. Communication becomes difficult due to complex organizational structure. There are less personal contacts between executives. All this makes coordination more essential. Independence, interdependence. In an enterprise, every department or division depends for its effective working on other departments and divisions. For example, the sale department depends on the production department for the required volume, range and quality of products at the right time to serve the customers. Such an independence requires coordination among the various functional departments. According to Thompson, there are three types of interdependence. Okay, then human nature. Generally, people are preoccupied with the work of their own departments or units and fail to appreciate the role of other departments or units. Deliberate efforts are required to maintain coordination between different departments and units. Okay, empire building means empire builders always accept cooperation from other but they are not prepared to provide cooperation to others. Coordination is required to cope up with such a descriptive elements. Need for coordination also arises on account of conflict between the line and staff. Staff specialists tend to follow their own line of action and may not appreciate the viewpoint of line executives. Okay, these are the importance or needs of coordination. Next lecture, next point se start karenge. Sure, thank you.